बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी का मैं विज़िट करवाने लगूँ जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इस घर की जो लोकेशन है व्यूअर्स, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। घर की जो लोकेशन है वो है बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी, और फेज़ 8 में ये बहुत ही एक फेमस सेक्टर है जहाँ पर बिल्कुल ही पास में आपको बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। उसके अलावा ये सेकेंड टू कॉर्नर हाउस है, घर का जो फ्रंट है वो भी ओपन है। सबसे पहले इसके हम मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन को डिस्कस करें तो इसके ऊपर प्रॉपर मैट फिनिशिंग की टाइल्स का यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसमें स्मॉल पैचेस में यहाँ पे प्रॉपर रॉक वॉल किया गया है। अच्छा, घर का जो राइट साइड है वहाँ पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और जो घर का लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। घर के अंदर ही आपको एक स्मॉल सा ग्रीन एरिया, बैक साइड लॉन भी मिल जाता है। तो जल्दी से अब चलते हैं इस घर के अंदर और आपको मैं इसका फर्दर जो विज़िट है वो डिटेल करवाता हूँ। सबसे पहले इसका सी थ्रू वाला प्रॉपर लाइनिंग में मेन गेट देख लें, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग के अंदर प्रॉपर मैट कलर में कवर किया गया है। मेन गेट के बिल्कुल बाहर बड़े साइज़ की टफ टाइलिंग की गई है। उसके बाद आपके पास मेन वॉकिंग रैंप अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे आपके पास प्यारी वार्म लाइट्स के साथ एक खूबसूरत ग्रीन एरिया अवेलेबल है, जहाँ पे आपके पास एक बड़े साइज़ का दरख्त जो है घर के बाहर वो भी अवेलेबल है। तो ये इसका मेन एलिवेशन क्लोजली एक दफ़ा फिर से चेक कर ले। टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ भी किया गया है। गैस, बिजली, पानी सब कुछ इस ब्लॉक में, इस सेक्टर में अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं इसके मेन कार पोर्च की तरफ। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कार पोर्च व्यूअर्स कौन सा हो सकता है। आपको ड्राइंग एरिया जो है एल शेप, यहाँ पे ग्लास वाली विंडो है, सी थ्रू, आप ड्राइंग एरिया से भी बाहर का व्यू कर सकते हैं। और ये आपके पास प्रॉपर इसका मेन कार पोर्च है। यहाँ पे आप एट द सेम टाइम 3 से 4 गाड़ियाँ आप अकोमोडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको फॉल सीलिंग दिखाऊँ तो वुडन टच यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा जो फ्रंट की लेफ्ट साइड की और जो राइट साइड की वॉल है, ये प्रॉपर रॉक वॉल से फिनिशिंग की गई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक मिल जाएगा, पानी का जो पंप है वो भी इंस्टॉल्ड है, और एलिवेशन पे भी आपके पास खूबसूरत मोल्डिंग्स के साथ यहाँ पे वार्म लाइट दी गई है। अब मैं आपको जो घर के अंदर ही बैक साइड पर ग्रीन एरिया है उसका मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। साइड स्ट्रीट है, यहाँ पर टैप्स भी हैं, वेंटिलेशन विंडोज़ भी हैं, और फ्लोरिंग पे भी यहाँ पे मैट टाइल्स का यूज़ किया गया। तो ये घर के अंदर का व्यूअर्स, आपके पास ग्रीन एरिया है प्रॉपर, यहाँ पे आप शाम के टाइम बैठ के सिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, घर के अंदर से भी आप जो एक स्मॉल डर्टी किचन है वहाँ से भी इसकी एक्सेस को अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ड्री के पर्पज़ के लिए भी एक स्पेस डिज़ाइन की गई है। घर के अंदर गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, और बैक साइड पे भी बड़ी खूबसूरत प्यारी यहाँ पे वेंटिलेशन विंडोज़ भी हैं, बड़े बड़े ग्लास वाली। और उसके अलावा आपके पास एक स्टैंडेबल टेरेस जो है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हमारे पास एक्सेस है यहाँ इस बैक साइड एरिया को आने की। अच्छा, यहाँ पर आप एक बहुत ही मेन चीज़ देखें, बारिश से बचने के लिए यहाँ पर जो मेन स्विच बोर्ड हैं उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग भी की गई है। तो अब चलते हैं घर के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे पास मेन एंट्रेंसेस हैं दो। लेफ्ट साइड की जो एंट्रेंस है वो हमारे पास ड्राइंग एरिया की सेपरेट एक्सेस के लिए है। जो मेन हमारे पास डोर है वो है ये, यहाँ से हमारे पास घर के अंदर जाने की एक्सेस है। तो घर के हम अंदर चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस के थ्रू। व्यूअर्स, आ चुके हैं घर के अंदर, और अंदर आते साथ ही सबसे पहले फ्लोरिंग पे मैं आपको इसकी शाइनिंग खूबसूरत टाइल्स दिखाऊं, और यहाँ पे एंटर होते साथ ही आपको एक खूबसूरत सा जो फानूस है सर्कल्स में बना हुआ, आपको वो वेलकम करता है। राइट साइड पे आपको सबसे पहले मिल जाता है मेन स्विच बोर्ड, और एंटर होते साथ ही इस घर का जो दिल है, जो मेन पॉइंट है, वो है इसका ये खूबसूरत तरीन मेन लिविंग एरिया। प्रॉपर यहाँ पे डबल हाइटेड सीलिंग से एक खूबसूरत शैंडलियर को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक लो ड्रॉप किया गया है। अब आपको इसका मैं मेन जो मैप है स्ट्रक्चर समझाता चलूँ। घर से एंटर होते साथ ही बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे डबल एंट्रेंस के साथ ड्राइंग एरिया है आपके पास, सेपरेट वॉशरूम के साथ, और अंदर से ही अपर पोर्शन की एक्सेस है, बिल्कुल ओपन खुला डुला आपको एक बहुत ही प्यारा यूनिक सा इसका मेन लिविंग मिल जाता है। सामने आपको ओपन किचन मिल जाता है, एल शेप डिज़ाइन किया गया है, आपको एक डर्टी किचन मिल जाता है, और जो बेडरूम्स के कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों के दोनों आपके पास प्रॉपर सेपरेट हैं।
तो व्यूअर्स ड्राइंग रूम का विजिट करते हैं और आपके साथ में एक दफा फिर से घर की डिटेल शेयर करता हूँ। 12 मरला का व्यूअर्स, ये प्रॉपर एक जिसको आप कह सकते हैं डिजाइनर घर तो हर एक घर कहते हैं, लेकिन एक जो कंप्लीट वे में डिजाइनर घर है वो आप इसको कह सकते हैं। तो ये 12 मरला का प्रॉपर 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन के साथ तैयार किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट हाउस है व्यूअर्स, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्राइंग की एंट्रेंस कारपोर्ट से भी दिखा दूँ आपको। बड़े साइज़ की फैंसी टाइल्स हैं, जो कॉर्नर के बॉर्डर्स हैं वो आपको ग्रे स्टोन में मिल जाते हैं। उसके अलावा डोर्स की आप डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं, प्रॉपर लाइंस के अंदर फिनिश किए गए हैं और बड़ी खूबसूरत व्यूअर्स प्रोफाइल लाइट है। उसके अंडर आपके पास एक वॉल फ्रेम आर्ट जो है, जो फ्रेम वर्क है वो देखने को मिल जाता है। अच्छा, लेफ्ट साइड की वॉल एक कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न के अंदर यूनिक तर्ज में प्रॉपर कवर की गई है और बड़े ही खूबसूरत आपके पास दो जो खूबसूरत वार्म लाइट्स हैं रॉड्स शेप में वो ड्रॉप किए गए हैं फॉल सीलिंग से। ओवरऑल ये इस घर की ड्राइंग एरिया की स्पेस है। अब यहाँ से आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको ऐसा वॉशरूम मिल जाता है, पाउडर रूम, जिसमें आपके पास फोकस लाइट्स दी गई हैं जो कि बार्स वगैरह में होती हैं, काफ़ी खूबसूरत। आपको पाउडर रूम, ये वाहिद घर है जिसमें पाउडर रूम में आपको कंसील्ड कमोड मिल जाता है और एक खूबसूरत स्टाइलिश वैनिटी मिल जाती है। तो यहाँ से तो हम आए थे मेन एंट्रेंस से घर के अंदर और यहाँ पर राइट साइड पर भी डिफरेंट वॉल के अंदर निशेज डिज़ाइन की गई हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको अपर पोर्शन की एंट्री मिली, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे स्टेपिंग वाला मेन स्टेयर केस है और यहाँ पे आपके पास एलईडी रैक, यहाँ पे आपके पास है एलईडी पॉइंट, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ऊपर बहुत ही खूबसूरत आपके पास वार्म लाइट्स का यूज़ किया गया है। अब सबसे पहले हम एंटर होते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट में, तो इसकी हर एक एक स्पेस की, हर एक एक रूम के व्यूअर्स जो वाइब है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है। अब इस बेडरूम में आते हैं, आपको मेरी वॉइस में भी थोड़ा बहुत चेंज महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे प्रॉपर फ्लोरिंग पे वुडन टाइल वर्क किया गया है, आपके पास सी थ्रू वाली काफ़ी टॉल जो हैं वार्डरोब सेटअप है। लेफ़्ट साइड का जो वॉल है, राइट और लेफ्ट साइड पे वेंटिलेशन विंडोज़ के साथ, ऊपर वार्म लाइट्स के साथ एक बिल्कुल ही मॉडर्न टचअप्स के साथ कंप्लीट किया गया है। अच्छा, घर के रूम के अंदर भी आपके पास बिल्कुल सेपरेट, मतलब यहाँ पे मीडिया वॉल जो है डिज़ाइन की गई है, रूम के अंदर बैठ के आप अपना प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स वगैरह खेले। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन, आपको वॉल फ्रेम वर्क मिल जाता है, ऊपर वार्म लाइट। अब मैं आपको इसके वॉशरूम्स दिखाता हूँ, ये व्यूअर्स आप चेक करें। वॉशरूम में आप एंटर होते हैं, आपके पास बहुत ही खूबसूरत ग्लॉसी गोल्डन टचअप्स के साथ इसकी टाइल्स मिल जाती हैं। शॉवर एरिया प्रॉपर सेपरेट है, प्रॉपर कंसील्ड है और बड़ा ही मज़े का यहाँ पे हैंड शॉवर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक कोरियन की फिनिशिंग में कंप्लीट किया हुआ कंसील इसका एक वैनिटी सेटअप मिल जाता है और प्रॉपर आपको कंसील कमोड मिल जाता है। अब मिरर भी आप देख सकते हैं, जैसे अंडा नहीं होता वैसा इसमें फैंसी मिरर है। तो व्यूअर्स, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है वो ऊपर वाले पोर्शन में मैं जाके आपके साथ शेयर करूँगा, फिलहाल आप ग्राउंड पोर्शन के मज़े लें। यहाँ से आप आते हैं तो अब यहाँ से इसका आप व्यू चेक करें। बेडरूम से निकलेंगे, आपको एक खूबसूरत, आपका मूड बेशक ऑफ भी है, आप आएंगे घर को ही देखेंगे तो आपका मूड जो है वो फिट हो जाएगा। अच्छा, बेडरूम सेकंड हमारे पास आ जाता है, इसमें अब हम एंटर होते हैं, आपको सबसे पहले फ्रंट की वॉल प्रॉपर मोल्डिंग्स के साथ लाइनिंग में फिनिशिंग में मिल जाती है। एक खूबसूरत आपको बड़े साइज की वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है। अब रूम के अंदर ये क्लास आप चेक करें, एक खूबसूरत यहाँ पे स्टैंडेबल आपके पास जो है ड्रेसिंग काइंड ऑफ एरिया डिज़ाइन किया गया है, मीडिया रैक यहाँ पे दी गई है और इसका मैं आपको वॉशरूम दिखाऊँ ना, इसका वॉशरूम भी व्यूअर्स प्रॉपर डिज़ाइनर टचअप्स के साथ कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग में कंसील्ड कमोड है आपके पास, शॉवर एरिया एकदम सेपरेट है। अच्छा, ये वॉशरूम में आप फ्लोरिंग पर चेक करें, प्रॉपर वुडन टेक्सचर की टाइल्स का यूज़ किया गया है, कोरियन में कंप्लीट एक फैंसी, जहाँ पे पानी भी बड़े मज़े से जाएगा यहाँ पे आप देखें। तो बैक साइड पे प्रोफाइल लाइट भी है, आपके पास प्रॉपर जो है यहाँ पे सी थ्रू वाले ओपनेबल डोर्स वाले वार्डरोब सेटअप डिज़ाइन किए गए हैं। डोर्स जो हमारे पास मेन थे वही उसी तरह के डोर्स जो हैं वॉशरूम के भी कवर किए गए। अब आप वॉशरूम से निकलते हैं तो आप मतलब इस घर में आपकी गर्दन जिस तरफ भी मुड़ेगी व्यूअर्स, आपका यकीन करें दिल खुश हो जाएगा।
अब आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, जो कि है इस घर का किचन। एल शेप में डिज़ाइन किया गया कोरियन का यहाँ पे काउंटर टॉप है। फ्लोरिंग पे आपको मैट टाइल्स लाइनिंग वाली मिल जाती है। राइट साइड पे एक और कोई डिफरेंट यूनिक चीज़ जो है ट्राई की गई है। अच्छा, यहाँ से भी वेंटिलेशन विंडो है बड़े साइज़ की। बैक अपना जो आपका ग्रीन गार्डन है वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास लिमिटेड थोड़ी बहुत जो है, मतलब इस घर में ये शख्स का जो इस घर में रहेगा, घर में तो उसने खाना बनाना ही नहीं है, रोज़ ही बाहर से मंगवाना है। यहाँ पे बहुत लिमिटेड आपके पास जो है बर्तन के लिए स्पेस है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी ये ओपन करके दिखाऊँ, सी थ्रू वाले प्रॉपर आपके पास खूबसूरत यहाँ पर मिल जाती है कैबिनेट्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई मेड या सर्वेंट है बैक साइड स्पायरल स्टेयर्स लगवा के। एक बहुत ही मॉडर्न यहाँ पे डोर दिया गया, मैं आपको दिखाऊं, प्रॉपर स्लाइड वाला डोर है। यहाँ पे एक बार फिर आपके पास नेट वाला डोर आपको मिल जाता है। और इस जो वन पर्सन का जो किचन है प्लस वॉश एरिया है वो यहाँ पे बस यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताना भूल गया जो बहुत ही खूबसूरत लगाई गई है, वो है यहाँ पे फायरप्लेस। अब आप मेन लिविंग में देखें, सर्दियाँ वैसे भी आ गई हैं, तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत प्रॉपर वर्किंग वाला फायरप्लेस मिल जाता है। तो ये था इसका व्यूअर्स ओवरऑल पूरा ग्राउंड पोर्शन, जिसका बहुत ही खूबसूरत मैप रखा गया है। और ये थी इसकी प्रॉपर सारी की सारी फिनिशिंग। अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन की तरफ। तो बड़े प्यारी खूबसूरत यहाँ पे स्टेपिंग की गई है फेंसिंग से, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कवर किया गया है। और अंडर द स्टेयर्स छोटा सा एक पैटर्न था, वहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास को यूज़ किया गया है। और प्रॉपर एक गैप्स वाले यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। अब जैसे ही आप ऊपर आते हैं, आपके पास एक छोटा सा लॉबी एरिया है। यहाँ से आपके पास छत की एक्सेस है, छत पे सर्वेंट रूम है वॉशरूम के साथ। और यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ कस्टमाइज फाउंटेन वगैरह बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब शुरू हो जाते हैं मेन इसके अपर पोर्शन के शेष के। सबसे पहले आपको टेरेस की एक्सेस वाला जो एक बहुत ही खूबसूरत इसका टेरेस वाला रूम डिज़ाइन किया गया, उसका मैं आपको विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले आप रूम में एंटर होते हैं तो आप इसकी मतलब क्लास चेक कर लें। राइट साइड पे दो वार्म लाइट्स है, प्रॉपर रॉयल मोल्डिंग्स के अंदर आपके पास स्टेप बाय स्टेप रैक्स दिए गए हैं। एक प्रॉपर मीडिया वॉल डेकोर किया गया है टाइल्स के, सॉरी वुडन शीट्स के साथ। यहाँ पे भी डिफरेंट रैक्स हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक प्रॉपर सिटिंग वाला मेन टेरेस एरिया। साइड टेरेस भी है जो कि स्टैंडेबल है। ये वाला टेरेस फोर तीन चार स्टेप्स हैं, उसके बाद सिटिंग की स्पेस है। अब इस रूम की आप अकोमोडेशन चेक कर लें, रूम की आप स्पेस चेक कर लें, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आपके पास जो क्लोज़िट है वो डबल साइडेड है, एक वॉक वे है, यहाँ से प्रोटोकॉल में आपने वॉशरूम जाना है। और वॉशरूम की आप हाइट देखें। तो व्यूअर्स, ये जो घर है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इस वॉशरूम में आप देख सकते हैं प्रॉपर कंसील है सब कुछ, मैट फिनिशिंग की टाइल्स हैं, कोरियन के वैनिटी सेटअप है, कंसील आपके पास कमोड्स इंस्टॉल्ड हैं। तो ये आपके पास आ गया अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर फर्स्ट। अच्छा, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है व्यूअर्स, इस घर के ऑनर की तरफ से वो है 5,95,00,000 रुपीज़, जो कि घर के ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। इस घर की फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, सेम नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं घर की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर से मैं बैक होके दिखाऊं, एक बहुत ही खूबसूरत वॉकवे बना हुआ है, एक ब्रिज टाइप कॉन्सेप्ट बना हुआ है। यहाँ से आप जो है नीचे भी झांकियाँ लगा सकते हैं। ये शैंडलियर यहाँ से नीचे ड्रॉप किया गया है, टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बेडरूम नंबर फर्स्ट दिखाया है, बहुत खूबसूरत था। अब सेम टू सेम ग्राउंड पोर्शन की तरह यहाँ पे आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर सेकेंड। लेकिन इस बेडरूम में कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, पेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वुडन टच दिए गए हैं। और जो ग्लोब लाइट्स वार्म लाइट्स यूज़ की गई हैं, उसके अंदर भी वार्म लाइट का एक इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें व्यूअर्स जो इस घर में है वो डिज़ाइन की गई। आज के इस दिन में मैंने तीसरी वीडियो शूट करूँ, लेकिन ये वाले घर ने जो है ना सारा स्ट्रेस, जो सारी थकान थी वो दूर कर दिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त घर ये डिज़ाइन किया गया। अच्छा, 12 मरले का व्यूअर्स ये घर है, जो कि आपको
5 लग्जरी कमरे ऑफर करता है वॉशरूम्स के साथ, जिसमें आपको 2 टीवी लाउंज मिल जाते हैं, आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है वॉशरूम के साथ, आपको एक किचन मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, उसके अलावा आपको छत पे सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम, उसके अलावा आपके पास ऊपर वाले पोर्शन में भी एक छोटा सा किचन है, और आपके पास एक वार्डरोब एरिया जो है छोटा सा वो भी डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ पे जो ये फ्रेम वर्क, जो पिक्चर वर्क यूज़ किया गया, आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये वॉक वे था, ये आपके पास व्यूअर्स शू रैक्स रखे गए हैं, रजाइयाँ शजाइयाँ कम्बल शम्बल यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं गर्मियों सर्दियों का सामान। बेडरूम 3rd यहाँ पे है, उससे पहले मैं आपको इसका अपर पोर्शन का लिविंग चेक कराऊँ, ये आप चेक करें व्यूअर्स, मतलब आप आस पास भी बैठ के उसके नज़ारे भी कर सकते हैं। मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, साथ में बुलेवार्ड रोड है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपके पास इस घर से बिल्कुल वॉकिंग पे अवेलेबल है, इस एरिया का जो कमर्शियल है वो भी आपके पास रनिंग कमर्शियल वॉकिंग पे। तो व्यूअर्स बैरियर टाउन फेज 8 की इससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन नहीं हो सकती जहाँ पर ये घर अवेलेबल है फॉर सेल के लिए ऑन कैश। घर की जो आस्किंग प्राइस है वो है 5,95,00,000 रुपीस, जो कि इस घर के ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, घर का यूनिक मैप बिल्कुल आपके सामने, अगर आपको वीडियो पसंद आती है घर का मैप, घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो वीडियो को लाइक करके आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने व्यूअर्स हर हाल में लाजमी प्रोवाइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास अपर पोर्शन का बेडरूम 3rd है। इस रूम में आपके पास 3D लेफ्ट साइड पे वॉलपेपर मिल जाता है, एक प्रोफाइल लाइट के अंडर आपको खूबसूरत वॉल फ्रेम मिल जाता है। यहाँ पे भी आपके पास सेपरेट मीडिया वॉल है, राइट साइड पे रैक। अब मैं इसका आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये आप देखें, मेरा भी इसका आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही यूनिक है, और ऊपर फोकस लाइट्स आप चेक कर सकते हैं, कंसील कमोड व्यूअर्स। अगर A+ प्रीमियम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से ऊपर की भी अगर कोई क्वालिटी है तो वो इस घर में अप्लाई की गई है। तो ये थी व्यूअर्स आज की नई वीडियो, आज का नया खूबसूरत तरीन लेवल का डिज़ाइनर घर जिसका मैंने आपको कंप्लीट विजिट करवाया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करना है। चलते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।